हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द शीशा किंग में। मैं आपका दोस्त पंकज। तुम्हारा भाई काफ़ी दिन के बाद एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, इतनी हमने वीडियो YouTube पे पोस्ट नहीं की है, उससे डबल ट्रिपल मैं आप सबसे माफ़ी मांग चुका हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता यार, इस वजह से गैप हो जाता है वीडियो पोस्ट करने में। और मैं सोचता हमेशा, हर दिन सोचता हूँ कब वीडियो शूट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको इग्नोर कर दिया है, बस थोड़ा सा टाइम की कमी रह जाती है, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो आई रियली सॉरी, सबसे पहले हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा कुछ अलग होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट 90% लोग सिलिकॉन चिलम यूज़ करते होंगे, मिट्टी ऑलमोस्ट सभी लोग छोड़ चुके हैं। जो लोग अभी भी मिट्टी की चिलम यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो वही होगी। फिलहाल आज के टॉपिक पर बात करते हैं। आज का टॉपिक ये है, एक सिलिकॉन चिलम है नॉर्मल, आप में से बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे सिलिकॉन चिलम, लेकिन ये जो सिलिकॉन चिलम है इसको ऑलमोस्ट 95% लोग इग्नोर करते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती है या वो ख़रीदना नहीं चाहते हैं। इस चिलम के फ़ायदे क्या हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये सिलिकॉन चिलम देखिए, इसको ब्लेड कट सिलिकॉन बाउल बोलते हैं, सिलिकॉन चिलम बोल सकते हैं आप। ब्लेड कट क्यों, आपको दिख रहा होगा कैमरे में, इसके अंदर एक डिज़ाइन बने हुए हैं। अगर देसी भाषा में समझाऊँ, सरल भाषा में, तो पंखड़ी जैसे बने हुए हैं, जैसे एग्जॉस्ट फैन की पंखड़ियाँ बनी होती हैं, उस तरीके से होते हैं ये। और इग्नोर हम क्यों करते हैं इस चिलम को, वैसे ये अमेरिकन फनल डिज़ाइन में होती है, इसमें 4-5 होल नहीं होते हैं। जिस चिलम के अंदर इस तरीके के पंखड़ी बनी होगी या ब्लेड टाइप के बने होंगे, वो कभी भी सिंगल होल नहीं होगी, सॉरी 4-5 होल नहीं होंगे नॉर्मल चिलम की तरह, वो फनल ही होगी। और इग्नोर हम इसलिए करते हैं इस चिलम को कि हम ऊपर से ऐसे अगर फ्लेवर डालते हैं या स्पून से डालते हैं, तो अमूमन होता ही है कि ये जो इसके डिज़ाइन है वो हमारा फ्लेवर सर्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है उसमें, है ना। और हमें बुरी भी लगती है कि यार ये क्या बसूड़ी है यार, सिंपल एक अंदर गैप हो, बीच में एक सिंगल होल हो, वो ठीक है यार, इजी टू यूज़ होता है, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं उसको, ये हमेशा परेशान करते हैं ब्लेड। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं वो आज तुम्हारा भाई बताएगा। अगर बात करें फ़ायदे की, तो सर ये फ़ायदा जो है ये बिगिनर के लिए है, जो नया नया जिन्होंने शुरुआत की है हुक्का पीने की, या जिनको परफेक्ट नहीं है चिलम बनाने में, या जो वीडियो हमारी है और किसी यूट्यूबर की वीडियो देख के सीख रहे हैं चिलम कैसे बनाना है, उनके साथ हमेशा बहुत प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं कि भैया मुझे कीवी पान बनाना है, तो हम उसको अमूमन सजेस्ट करेंगे कि यार 70% रॉयल का कीवी ले ले, 30% अफजल पान रस मिक्स कर ले और तेरा कीवी पान बन जाएगा। लेकिन उस सिचुएशन में उस सामने वाले को, यानी आपको, जो लोग बिगनर हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि 70% और 30% का हम कैसे उसको नापें, हम उसको कैसे मेजरमेंट करें कि 70% ये हो गया। और हर कोई इंसान एक्सपर्ट जरूर है, हर कोई इंसान सक्षम है, पैसे भी हैं सबके पास, लेकिन कोई इतना बड़ा चूतिया नहीं है कि वो तराजू वेट मशीन लेके बैठा हो कि यार 100 ग्राम, अगर एक उदाहरण दे रहा हूँ, 100 ग्राम अगर एक चिलम में फ्लेवर लगता है तो 70 ग्राम कीवी ले लेते हैं, 30 ग्राम पान ले लेते हैं और हम बन गए एक्सपर्ट। हर कोई वेटिंग मशीन नहीं लेके बैठता सर। उस सिचुएशन में ये आपके कहाँ काम आती है, देखिए जैसे मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके अंदर 6 वो बने हुए हैं, गैप बने हुए हैं, बॉक्स समझ सकते हैं, या एक सेपरेट खाना बना हुआ है, इसमें 6 बने हुए हैं। तो अगर आपको इसमें 70-30 का करना हो, तो इसमें आप 4 खानों के अंदर कीवी डाल सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे 1 यहाँ कीवी, यहाँ कीवी, यहाँ कीवी, यहाँ कीवी, 4 आपने इस बॉक्स के अंदर कीवी सर्व कर दिया रॉयल का, और बाकी के जो 2 बॉक्स बचे हैं उसमें आप पान मिक्स कर सकते हैं। ये 100% एक्चुअल में अब आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि यार मिक्स तो ऐसे करते हैं हाथ से, है ना, ऐसे मिक्स करेंगे प्रॉपर मजा आएगा,
लेकिन एक ये भी मेथड होता है चिलम बनाने का, ये भी एक तरीका होता है, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग बनाते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने या तो इंटरनेशनल वीडियो में या अब से कुछ साल पहले इंडिया में भी इस तरीके की चिलम आई थी, वो ऐसे चिलम होती थी, उसमें तीन चार चिलम जो है सेरेमिक की जॉइंट होती थी, तो उसमें होता ये था कि एक में आप कीवी लगा दीजिए, एक में आप पान लगा दो, एक में मिंट लगा दो, वो तीनों फ्लेवर वो उसमें जॉइंट होते थे चिलम, और वो तीनों फ्लेवर अलग अलग डाले और उनकी स्टेम से एक ही कनेक्ट होता था, ऐसे ही एक कनेक्टर होता था, वो हम उसमें कनेक्ट करते थे, तो तीनों के फ्लेवर नीचे हमारे हुक्के में आता था और हम उसको इनहेल करते थे। तो ये एक सरल तरीका है, बहुत सरल तरीका है ये मेजरमेंट करने का, 70-30 कैसे करना है, 60-40 कैसे करना है। और बात करें इसके एक और प्रॉफिट की जो आपके काम आएगा, जो इसका दूसरा प्रॉफिट है गाइस, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आपको समझाता हूँ कि इसका सेकंड प्रॉफिट क्या है। देखिए, ये एक सिलिकॉन चिलम है, सिलिकॉन चिलम के अंदर क्या होता है, क्लाउड सपोर्ट होता है, यहाँ पे एक लाइन बनी होती है जिस पे आपका क्लाउड फिक्स हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक क्लाउड देना वो दूसरी वाली, ये क्लाउड होता है, ये हमारा इसमें फिक्स हो जाता है ये ऐसे, ठीक है, ये कि लाइन बनी होती है। देखिए, बात करें क्लाउड सपोर्ट के अलावा का बेनिफिट, ये तो एक जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, होता ही है, आप जितने बड़े एक्सपर्ट क्यों ना बन जाए, मैं ही क्यों ना हूँ, जब हम ऊपर से ऐसे फ्लेवर सर्व करते हैं इसके अंदर, तो हम बेशक उसको बाद में हाथ से उसको प्रेस करते हैं, नीचे दबाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लेवर जो है ऊपर नीचे हो जाता है। और अगर आप कोई अमेरिकन फनल या सिरेमिक बाउल ओब्लाको जैसे यूज़ कर रहे हैं चिलम, तो उस सिचुएशन में होता यह है कि अगर आपको देखना है कि आपने वो फ्लेवर बिल्कुल इक्वल भरा है, तो उस सिचुएशन में आप ऐसे देख सकते हैं, ये बिल्कुल आप ऐसे करके देखेंगे जब सामने से, तो आपको बिल्कुल दिखाई दे जाएगा इस लाइन से कि हाँ, आपने बिल्कुल प्लेन आपने चिलम सर्व करी है और बनाई है जो ज़बरदस्त बनी है। और बाकी की सिलिकॉन चिलम के अंदर ये बेनिफिट नहीं मिल पाता है और हम उसको डायरेक्ट क्लाउड रख देते हैं उसके ऊपर, इसके अंदर जो बेनिफिट ही होने वाला है कि देखिए, एक तो हमारा क्लाउड सपोर्ट की लाइन है, उसके बाद ये पंख बने हुए हैं, ये ब्लेड बने हुए हैं, जब ये ब्लेड के हम इसमें सेपरेट भरेंगे ना सर, 101% उबड़ खाबड़ नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट भरेगा फ्लेवर। आई होप आप समझ पाए होंगे कि इसके क्या बेनिफिट हैं, इसमें इक्वल भरा जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ब्लेड, इस ब्लेड की वजह से इक्वल भरा जाएगा, आप फ्लेवर भरेंगे तो ये इस ब्लेड से नीचे नीचे रहेगा, और आप जब आप इस पर क्लाउड ऐसे रखेंगे तो उस फ्लेवर में और क्लाउड के अंदर चाहे 1 mm, 2 mm का ही डिस्टेंस हो, डिस्टेंस रहेगा और डिस्टेंस होना चाहिए, वही एक आपकी परफेक्ट चिलम बनाने के काम आता है। बहुत सारे लोग उसको एक्स्ट्रा फ्लेवर भरने के बाद उसको प्रेस करते हैं और प्रेस वो हमेशा साइड से करते हैं, बीच में से नहीं हो पाता, कोई भी इंसान ऐसे नहीं करेगा फिंगर करके, ऐसे वो साइड से ही करेगा, उस सिचुएशन में ऊपर नीचे हो जाता है फ्लेवर, वो जो ऊपर हो जाता है, जो क्लाउड के टच हो जाता है, वो जलना शुरू हो जाता है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, यानी कि इसके बेनिफिट नंबर 3 की तरफ। बेनिफिट नंबर 3 जो कि मेरा पर्सनली मैंने बहुत बार नोटिस किया है, स्टार्टिंग में ये वाली चिलम मुझे बहुत इरिटेट करती थी, अगर मेरे सामने 10 सिलिकॉन चिलम रखेंगे और 2 ये रखेंगे तो मैं इनको फेंक दूंगा, उस टाइम ये सिचुएशन थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है, मैं सीखा हूँ तो आपको भी सिखाना मेरा फ़र्ज बनता है। देखिए, अमूमन होता ही है, जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं वो क्लाउड इसके ऊपर रख देते हैं, और क्लाउड रखने के बाद कोल जो है बहुत ज़्यादा रख देते हैं, 2 cube, 2.5 cube, कुछ लोग 3 cube रख के, कुछ लोग कैप लगा देते हैं 2 cube रखने के बाद, कुछ कैप हटा के 3 cube रख देते हैं। उस सिचुएशन में होता ही है कि इसका जो सरफेस है क्लाउड का बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, और हीट होने के बाद सबसे पहला उसका काम होता है कि इस चिलम के अंदर जो आपने फ्लेवर लगाया था, जो नॉर्मल सिलिकॉन चिलम के अंदर लगाया था, सबसे पहले उसकी ऊपर की परत को जलाना शुरू करता है, उसके बाद धीरे 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 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट के बाद वो नीचे तक सारा कंप्लीट फ्लेवर जल जाता है। अब बात करें इस चिलम की, जो बेनिफिट है इसके अंदर, अगर पहली ऊपर की परत जलने की बारी आती है तो वहां उस सिचुएशन में क्या टच होगा, ये ब्लेड, तो आपकी पहली परत कुछ चाहे वो 2 मिनट के लिए सही, 2 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा। और कभी कभी होता ही है कि कुछ एरिया होते हैं जहां पे हम क्लाउड जो कोल होती है सॉरी
कोल को हम एक ही एरिया में रख के छोड़ देते हैं, उसको रोटेट नहीं करते या उसका एरिया चेंज नहीं करते, तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फ्लेवर बहुत ज़्यादा जल जाता है। तो अगर इसमें जलने की बारी आती है, मान लीजिए कि आपने इस एरिया के अंदर आपका क्लाउड है जहाँ पे कोल यहाँ पे ऊपर रखी हुई है, तो वो इस वाले बॉक्स के फ्लेवर को ज़्यादा जलाएगा, और अगर इस वाले बॉक्स के फ्लेवर को ज़्यादा जलाता है तो इस वाले पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जो कि इसके साथ है, क्योंकि इसके बीच में एक पार्टीशन है। तो ये आई होप आप समझ पाए होंगे, मैंने कोशिश करी है डिटेल में समझाने की। तो ये इसके बेनिफिट हैं सर, कभी इसको इग्नोर मत करना। थोड़ा सा सर एक्सपर्ट बनिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। नहीं समझ आता है, मैं सब समझाऊंगा सर। आने वाले टाइम में हम एसेसरी की भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हुक्के हर कोई अनबॉक्सिंग करता है। मैं फ्लेवर की मिक्सिंग बता देता हूँ, एसेसरी पे हर कोई ध्यान नहीं देता है। तो मैं धीरे धीरे कोशिश करेंगे एसेसरी के बारे में भी समझाएं, ये एक उसी का पार्ट था, ये भी एसेसरी में ही आता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। कुछ भी कन्फ्यूज़न या डाउट रह जाता है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ये चिलम अगर आपके पास है तो प्लीज़ इसको वेस्ट मत समझिए, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही फ़ायदेमंद चिलम है ये। सो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, गुड बाय। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट।